बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम ऑन डेविड उजाला। और क्या हाल है आज आप लोगों के? और आज भी है एक खूबसूरत सा दिन, एज़ यू कैन सी द ब्यूटिफुल व्यू आउटसाइड। गर्मी इस कदर है कि मैं कहती हूँ कि भाई वाह, नहीं भाई वाह नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इट्स ओके। अच्छा, अभी क्या सीन है कि आज का जो मेरा व्लॉग है वो है अबाउट डेली रूटीन, ठीक है, और आज का दिन मेरा कैसा रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। व्लॉग को देखिएगा एंड तक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लें। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कुछ ड्रेसेस मैंने सीने के लिए दिए हुए थे सबा को, जो कि सी के मिल चुके हैं मुझे, लेकिन वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी इंशाल्लाह कभी। और अभी यह है कि समर्स भी आ गए हैं, समर के साथ हम लोग किस तरह के ड्रेसेस वेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट राइट नाउ मैंने अभी ये सूट निकाला है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, जो कि सबा ने मुझे बहुत खूबसूरत सा सी के दिया है। लुक एट द नेक लाइन, वेरी प्रिटी नेक लाइन। और ये टू पीस था, ठीक है, और इसमें इसने स्लीव्स पे ये लेस लगा दी थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए। अच्छा, मैंने इसका जो ट्राउज़र है वो थोड़ा सा लाइक बेल बॉटम की तरह करवाया है, पांचे थोड़े खुले रखवाए हैं। मेरे साथ इसके साथ इस मेरे पास इसके साथ थ्री ऑप्शंस थे दुपट्टे के। इवन दिस गोस वेरी वेल विद इट, ये भी बहुत प्यारा लगेगा, ये भी बहुत ऑसम लगेगा ना। ये तीनों ऑप्शन थे मेरे पास, बट अभी आज मैं इंशाल्लाह ये वेयर कर रही हूँ, रॉयल ब्लू विद इट, ठीक है। अभी मैं तैयार होने लगी हूँ और उसके बाद फिर मैं कहाँ जाऊँगी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। स्टे ट्यून, ब्लॉग को एंड तक देखें, मेरे साथ साथ चलें। ये जो ड्रेस जिस मेरी फ्रेंड ने दिया था ना, एक्चुअली आज हम उन्हीं के घर जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि चलो अब स्टिच हो गया है तो मैं उनके पास पहन के जाती हूँ, तो ये है कि वो भी खुश हो जाएंगी देख के। और सन ब्लॉक तो आपने कभी भी नहीं भूलना, बाहर जाने से पहले इवन घर पे भी बात लेके सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर 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 करें। अभी दो मिनट में तो मैं रेडी हो गई हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई खास मेकअप वगैरह तो करना नहीं था, इट्स जस्ट कैजुअल गैदरिंग। बस अभी मैं कह रही हूँ कि मैं कोई इयर रिंग ढूंढ लूँ। व्हाट अबाउट दिस? नो, ये बिग बड़े लगेंगे, ज़रा छोटे हों जो इसके साथ अच्छे लग गए। वेल बट ओके, लेट मी डिसाइड। ओके, सो आई एम वेयरिंग दीज, ये फिरोजी कलर के हैं और कहीं कहीं मेरे ड्रेस में फिरोजी भी है, बट दैट डज नॉट मैटर कि आप बिल्कुल मैचिंग पे ही बस चले जाएं, कंट्रास्ट भी बहुत प्यारा लगता है। सो या आई सिलेक्टेड दीज। ओके जी, तो ये हूँ मैं, ठीक है, और मैं हो गई थी रेडी और अब मैं जाने लगी हूँ। पहले मैं जाऊँगी एक मॉल में, मुझे थोड़ा सा वहाँ पे काम है और या पानी भी रिफिल करवाना है और उसके बाद चलते हैं अपनी फ्रेंड के पास। अच्छा, आज धूप जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, लाइक बड़ी धीमी सी धूप है, लेकिन तपश इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा तपश है, बहुत ज़्यादा। तौबा। खैर, अभी ये है कि ना मेन रोड से भी वहाँ से नहीं जा सकते, बिकॉज़ आप लोगों को पता ही है कि वहाँ पे वो बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, तो उसका काम हो रहा है, तो इन्होंने ना हर चीज़ इतनी ज़्यादा खोदी हुई है और वहाँ पे बंदा जाके फंस जाता है, तो बस ये है कि बीच बीच में से हम चलते हैं। सो यस, आई एम एट पेस, ठीक है, और अब मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत काम है और मैं जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ, बिकॉज आई एम ऑलरेडी गेटिंग टू लेट। वेल, मेरा यहाँ पे जाना तो बहुत ही ज़्यादा फजूल हुआ, बिकॉज अंदर कोई शॉप ही नहीं खुली हुई, सिर्फ दो तीन शॉप्स खुली हुई हैं और वो भी मेरे किसी काम की नहीं थी, और इतने लेट ये लोग शॉप खोलते हैं मेरी तो समझ से बाहर है, तो यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ। अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं वापसी पे फिर चक्कर लगा लूँगी, बिकॉज अभी मुझे फ्रेंड के घर भी पहुँचना है और रास्ते यहाँ पर इतने इरीटेटिंग हुए हुए हैं ना, जगह जगह पर बस बंद हुए हुए हैं, ये चेक करें ये चेक करें, वहाँ से मैं पूरा गोल घूम फिर के आई हूँ, और बिकॉज सारे जो है वो रास्ते बंद थे, सारे कट इन्होंने बंद किए हुए हैं, तो मुझे लंबा रूट जो है वो वैसे ही पड़ रहा है। आप चले जाओ बाबा जी, तो लंबा रूट वैसे ही मुझे पड़ रहा है, तो इसलिए जो है ना मैं वापसी पे फिर अपना काम कर लूँगी, फ़िलहाल मैं फ्रेंड के यहाँ चली जाती हूँ। अब यहाँ से मैं पानी रिफ़िल करवा देती हूँ और साथ ही यहाँ पर फ्रूट है तो हम कुछ फ्रूट भी ले लेंगे। फ्रूट भी मैंने जो है वो ले लिया और आम भी अभी मैंने लिया है,
काफ़ी महंगा फ्रूट लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कम करवाओ तो चलो कर भी देते हैं। अभी वेदर ऐसे देखे, अभी हल्की हल्की हवा जो है वो शुरू हुई है, धूप बिल्कुल गायब हो गई है, बस ऐसे लग रहा है ना अभी कि कहीं बारिश हो जाएगी या पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो है ना धूप चली गई है, लेकिन गर्माइश बहुत है। गर्मी से आके ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपको मिले तो क्या ही बात हो। वैसे ये क्या है अनिला जी? ये नींबू पानी है, मेरा टैंक बनाओ, घर का टैंक बनाओ। ये देखें ये मज़ेदार, वो जो आपने बताया था कि आप बनाएंगी वो सुखा के, अरे वाह, लेकिन बहुत टेस्टी बना है, जो बात है, वेरी यम। यहाँ पर सिलाई सीन भी ऑन है, हम दोस्तों का ना सब कुछ जो है वो चल रहा होता है बीच बीच में, पता नहीं यहाँ क्या सिल रहा है। वैसे बादल, क्या बादल बना रहे हैं? कौन से बादल? बेबी का बादल, ये क्लाउड्स बना रहे हैं, ठीक है। ये देखें इन्होंने ट्रेस किया है, इफ़ यू कैन सी द चॉक ट्रेसिंग, यहाँ बादल बन रहे हैं, क्लाउड्स बन रहे हैं बेबी के, एक्चुअली बेबी कुशंस बन रहे हैं। सो बादल एक और हमारी, अरे ये दो ट्विंस आ गई हैं, सलाम सहेलियाँ मिलके आज मुला खा रही हैं। ये क्या है? ये मतलब यहाँ से मिट गया है? ये मिटा नहीं है, मतलब फट गया है, पहले तो जोड़ देने से। खट्टी मीठी, खट्टी मीठी आज मुला इमली, भाई वाह। यहाँ पर चुजियाँ मिल रही हैं हमें, अनारदाना, इमली, टिक टिक, पता नहीं क्या है, चलो उसको ट्राई करते हैं, ये तो बहुत मज़े की थी। चले फ्रेंड के घर से मैं आ गई थी और मुझे जो काम करना था वो भी मैंने कर लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हो गया वो भी काम, और अब बस ये है कि मैं घर जाने लगी हूँ फाइनली। और अब आप लोग देख सकते हैं कि जब मैं जा रही थी तो उस वक्त ये है कि धूप काफ़ी हल्की हो गई थी, लेकिन अब धूप जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ हो गई है, लेकिन उसके साथ अपडेट ये है कि हवा भी स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, तो मैं ऑलमोस्ट घर पहुंच गई हूँ और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे करूँगी, एंड होप है आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मुझे बहुत मज़ा आया फ्रेंड के घर भी और बाहर भी। तो अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन खुश रहिए और खुश रहने दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।